चीन और पाकिस्तान से चल रही तनातनी के बीच नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें भारतीय सेना के पास अपर्याप्त गोला बारूद होने की बात बताई गई है। सीएजी ने शुक्रवार को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में साफ बताया है कि पड़ोसी मुल्कों से जंग की स्थिति में भारत के पास 10 दिन लगातार लड़ने तक के लिए नाकाफी आर्मामेंट्स हैं। बता दें कि सीएजी सरकारी खातों का लेखा जोखा रखने का काम संभालती है। भारतीय सेना की ये कमजोरी दुश्मनों के हौसले बढ़ा सकती है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय सेना के पुराने आर्मामेंट रिकॉर्ड को बताते हुए उसकी बड़ी कमजोरी को पेश किया है। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी हेडक्वार्टर ने 2009 से 2013 के बीच खरीदारी के जिन मामलों की शुरुआत की उनमें अधिकतर जनवरी 2017 तक पेंडिंग रहे हैं। 2013 से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की ओर से सप्लाई किए जाने वाले गोला बारूद की गुणवत्ता और मात्रा में कमी पर जोर दिया है, लेकिन बेहद शोचनीय स्थिति यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही पर सेना का कोई ध्यान क्यों नहीं गया। प्रोडक्शन टारगेट में भी कोई खास तरक्की देखने को नहीं मिली है। किसी काम न आने वाले या रद्द किए हुए गोला बारूद को लेकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इतना ही नहीं, सेना के आर्मामेंट डिपो में एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली जिसमें डिपो में अग्निशमन कर्मियों की भारी कमी है क्योंकि यहां किसी भी वक्त बड़े हादसे होने का खतरा बना रहता है। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर डाला गया है कि इस साल जनवरी में सेना के आर्मामेंट प्रबंधक का पूरा फॉलो अप एडिट किया गया है। बताया गया है कि ऑपरेशन की अवधि की जरूरतों के हिसाब से सेना में वॉर वेस्टेज रिजर्व रखा गया है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसे 40 दिन की मंजूरी मिली थी। वहीं सेना ने 1999 में यह तय किया था कि ये अवधि सिर्फ 20 दिन की हो, लेकिन सितंबर 2016 की रिपोर्ट से सामने आया है कि केवल 20% गोला बारूद ही 40 दिन के मानक पर फिट बैठे। वहीं 55% आर्मामेंट 20 दिन के न्यूनतम स्तर से भी कम आके गए। माना कि इसमें प्रगति देखी गई, लेकिन एक फायर पावर को मजबूत बनाए रखने के लिए बख्तरबंद वाहन और उच्च क्षमता वाले गोला बारूद जरूरत से कम रहे हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने 2013 में रोड मैप को मंजूरी दी थी जिसमें इस बात पर फैसला हुआ कि 2019 तक पूरी तरह से इसे फिट कर दिया जाएगा। 2013 में जहां 10 दिन की अवधि के लिए 170 के मुकाबले 85 गोला बारूद ही जो कि 50% ही उपलब्ध कराए गए थे, अब भी यह 152 के मुकाबले 61 यानी 40% ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। MFY News, हमेशा सच के साथ।